ग्लोबल रेज द्वारा आज एजुकेशन फेयर का आयोजन चितनवी सेंटर में किया गया था, जहां वर्ल्ड की क्लास 15 यूनिवर्सिटी इस फेयर में शामिल हुई थी। इस फेयर का छात्रों ने बड़ी संख्या में लाभ लिया है। एक्चुअली आई जस्ट वंडर्ड अराउंड पीपल, आई आस्क्ड फॉर सजेशंस एंड ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी लाइक स्टूड आउट फॉर मी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो द प्लेस विच वेयर इट इज़ लोकेटेड। इट्स अ रियली नाइस प्लेस, देयर इज बीचेस अराउंड एंड ऑल, सो इट्स रियली कन्वीनियंट फॉर मी एंड माई माइंड टू स्टडी देयर इन सच अ नाइस एनवायरमेंट। आई वुड जस्ट लाइक टू टेल द अदर पीपल हु हैव केम हियर टुडे, टेक योर टाइम, रिसर्च वॉट एवर यू कैन डू, एंड देर इज़ नो हश बश इन गोइंग आउट। इट्स योर माइंड, इट्स योर चॉइस वेर एवर यू वांट टू गो, जस्ट एक्सप्लोर एवरी थिंग दैट यू आर गेटिंग एंड देन मेक अ डिसीजन। या थैंक यू। यहाँ पर 15 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, दुबई, सब की यूनिवर्सिटीज़ आज यहाँ आई हुई हैं और जो बच्चों को गाइड कर रही हैं फॉर बैचलर्स प्रोग्राम्स। अगर आप क्लास 12th में हो और बैचलर्स देख रहे हो तो आप आज यहाँ आ सकते हो। बहुत से बच्चे यहाँ आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सब लेने आए हैं। स्कॉलरशिप ऑप्शन हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, एडमिशन्स के लिए जो भी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बता रहे हैं। अगर आप कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिस भी फील्ड से हो, आर्किटेक्चर और मास्टर्स, आपको कोई भी प्रोग्राम देखना है, लॉ में देखना है तो आज आप आ सकते हो। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स देखने हैं, बिजनेस में देखने हैं, सारे प्रोग्राम्स के आज ऑप्शंस आए हुए हैं। सो आई थिंक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ नागपुर। आप लोग आके आज यहाँ मिल सकते हो, यूनिवर्सिटी से चैट कर सकते हो। हमारा ऑफिस है, ग्लोबल रीच का ऑफिस लोकेटेड है, ये है अगर आप सुभाषी स्क्वायर जानते हो अभियंकर नगर में, उसमें भी हम लोग सेकेंड फ्लोर में हैं। आप लोग वहाँ भी आ सकते हो करियर काउंसलिंग की, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपकी सारी एप्लीकेशन से लेके वीज़ा असिस्टेंस से लेके आपको वहाँ एनरोलमेंट के टाइम में एकोमोडेशन की भी सारी इन्फॉर्मेशन से लेके सारा हैंड होल्डिंग ग्लोबल रीच करेगा जी। हम लोग वीज़ा लॉन्च करते हैं, पासपोर्ट बच्चे के पास पहले से ही होता है या वो हम उसको गाइड कर देते हैं कि पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। जब स्टूडेंट आता है तो हम इसे सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन देते हैं, स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से स्टूडेंट का कोर्स क्या है, वो क्या कोर्स करना चाहता है, उसके हिसाब से ही हम उसको कंट्री भी रेकमेंड करते हैं और फिर हम इसे हेल्प करते हैं कोर्स सिलेक्शन में कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री उसके लिए राइट है। फिर हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, जब एप्लीकेशन प्रोसेस में हम पूरा उसको हेल्प करते हैं कि कैसे एप्लीकेशन करी जाती है, उसका ऑफर आता है, उसके बाद में उसका वीज़ा लॉन्च करने में भी पूरा हैंड होल्डिंग ग्लोबल रीच करता है।